कुछ दिन पहले इतने मंत्री साहब आए थे अस्पताल की अजन जो चैकिंग की पाया गया कि गद्दे की हालत बहुत माड़ी है तो साढ़े नाल भी गल की उन्होंने तो इस तो पता लग्या कि इतों के सारे प्रशासन की भाई गुरदेव सिंह सिखों एम एल ए साहब साढ़े मोलक जी हो गए ने अपने कुलतार सिंह संधमा जी ये सारे ने सांझे तौर पर बहुत बारी वी सी साहब न मीटिंगा कीतियां सीगा कि थोड़ी जी हस्पताल की गद्दे की बिडा की सारे हालत सुधारी जाए पर इन्हों के कोई कन से जू नहीं सिरक रही थी। फिर मंत्री साहब न जो इतने आए तो थोड़ा जा इस मसले को लेकर उतरा चढ़ाव भी होया तो मंत्री साहब ने परसनली फील किया कि इनू इमीडिएटली मैटर नू क्लोज करना क्योंकि यह एक मरीजों की बहुत वड्डी समस्या सी क्योंकि गद्दियां की हालत बहुत नाजुक सी उस करके उन्होंने फिर क्योंकि वीसी साहब नू जदों भी असीं कहिंदे गद्दे चेंज करो कहिंदे लम्मा प्रोसैस आ पास हो गए होगा मतलब हरेक वारी बहानेबाजी चलती सी उस चीज़ नू सीरियसली लेंदे होए मंत्री साहब ने फिर 200 गद्दा हस्पताल लई परसनली आपदे कोलों डोनेट किया तो वो अज पहुंचा साढ़े को लोग भी खुश ने ते हस्पताल दी एक वधिया मतलब चीज भी बन गई 1100 दे करीब बेड दसे जा रहे हैं ते 1100 दे बेड है ते 200 दे नाल दे दूजे जिहड़े बेड उहनां वास्ते देखो जी सारे नहीं खराब कह सकते आपां कुछ हालत माड़ी सीगी ये बाकी ये शुरुआत आ हजे 200 गद्दा केरा आ गया ते बाकी बाद च भी ये प्रोसैस जारी रहेगा सारिया ते लगे हुए हैं जी पर जिहड़ी लोकां दा जिहड़ा मेन मरीज ने आके जिथे लेटना ओह चीज माड़ी सी उसे करके ही गुस्सा होया उहदे अपना काम मुढ़ली नीड्स कह सकते हैं हॉस्पिटल दियां तो आपां उत्थों शुरुआत की आ बाकी सारे कासे ते काम चल रहा मेडिसिन ते भी चल रहा डॉक्टर्स ते भी चल रहा सारा जो सहूलत मतलब वाशरूम है इत्थे बुरा हाल वह भी सारा कुछ सैट करा खोसा साहब एक आयुष्मान भारत जिहड़ी सेहत स्कीम सीगी ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਮ ਜੂੜ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਗਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸਰੀਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 200 ਗੱਦਾ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ रात ही हुण एम एल ए साहब सरदार गुरदेव सिंह सेखों साहब जी का फोन आया सीगा वो कहिंदे आ वी 400 गद्दा जिहड़ा जिहड़े एन आर आई वीर आ जिहड़े पंजाबी जिहड़े फरीदकोट नाल संबंध रखदे आ उन्हां दे उत्थे इक एसोसीएशन बनी हुई है अमेरिका दे विच सिखां दी वह इकट्ठे होए आ उन्होंने कहा भी 400 गद्दा साडे वल्लों भी है वह कुछ हफ्ते दो हफ्ते दे विच वह 400 गद्दा उन्हां वल्लों भी पहुंच गया हस्पताल दी लोड़ किन्ने की गद्दियां दी एम एस साहब दे दस्सण दे मुताबिक 1100 बैड इत्थे हैगा जिन्ने के गद्दे खराब है वह असी उन्होंने एक महीने ना पूरी हो जाएगी 400 गद्दा वह आज 200 गद्दा यह है 500 गद्दा इन्होंने ऑर्डर आप कर दिता बिल्कुल नहीं होनगियां जी यह तो बहुत सारिया प्रॉब्लम डॉक्टर्स की जी जी हाजिरी है वह बहुत जरूरी है डॉक्टर्स जोड़े है बड़े वधिया डॉक्टर है इतों वीसी तो वीसी के प्रबंधन लैके जेडे उन्होंने नजायज तंग करते जिस डॉक्टर की जिमें डॉक्टर अपने गगन सके डॉक्टर डांग सके जे जिस तरह के डॉक्टर विशेष नजायज तंग किया गया उन्होंने छड़ना पाया छड़ गया काम क्लीनिक आदि करते इन्हें सेवादार बंदे आ जे डॉक्टर गगन बारे कोई कहने की जरूरत नहीं हैगी इन्हें सेवादार बंद छड़ के आना पाया एक मगले दिन एक डॉक्टर ने तीजी मंजिल छाल मारी और क्यों मारी इस करके क्योंकि उन्होंने प्रबंधक तौर पर वधिया नहीं है एक नजायज एक बंदे धक्की जाना दूजे रिलैक्स करी जाना आपदे रिलैक्स करी जाना अजि नीति ना करके ये प्रबंध अपने बहुत माड़े हो